वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जॉयस लुक बुक। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये वाली ट्रेडिशनल बंगाली वाटरप्रूफ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, वो भी पार्लर सीक्रेट मेकअप बेस के साथ। सो ज़्यादा बातें ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक आइस क्यूब लिया है, और कोई भी आपको कॉटन कपड़ा के अंदर या फिर कोई भी विप्स के अंदर आपको लेना है, और इससे अपने पूरे फेस पर ऐसे रब करना है स्लोली स्लोली, एंड लिप्स पर भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो इस स्टेप अगर आप करते हो समर के टाइम, तो आपका जो मेकअप है फ्लॉलेस के साथ साथ लॉन्ग लास्ट करता है, तो इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपका मेरा टोनर अप्लाई किया है, और टोनर की जगह आप रोज़ वाटर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे मॉइस्चराइजर के लिए लैक्मे पिच मिल का मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, और नेक्स्ट में ये वाली स्विस ब्यूटी का आईब्राउज पैलेट से ये वाली जो सबसे डार्क ब्राउन शेड है उसको लेकर अपने आईब्राउज को फिल एंड ड्रा कर लूँगी अच्छे से। एंड दोनों आईब्राउज को अच्छे से मैं फिल कर लूँगी और थोड़ा सा डार्क फिल करूँगी। और गाइस, आईब्राउज को फिल करने से पहले इसके अंदर आपको एक वैक्स क्रीम शेड भी मिल जाएगा, तो आपको उसे पहले अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आप ऐसे अपने आईब्राउज को फिल करें। इससे क्या होगा, आपका जो आईब्राउज है वो लॉन्ग लास्ट करेगा। सो मैं अच्छे से फिल कर लिया दोनों आईब्राउज को, एंड इस तरीके से स्प्लिट ब्रश की हेल्प से अच्छे से कम कर लिया है। सो उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ इन दी शेड 04। इससे हेल्प से मैंने अपने आईब्राउज को अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। तो पहले मैं इसके जो एप्लीकेटर है उससे अप्लाई करूँगी पूरे आई लीड पर एज माई आई शेडो बेस, एंड आईब्राउज को भी डिफाइन कर लेंगे इसी से। और पहले इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी दोनों आई लीड पर एंड आईब्राउज के कर्नर में मैंने अप्लाई कर लूँगी, इस तरीके से आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी कर लूँगी इसी एप्लीकेटर की हेल्प से, और नेक्स्ट में एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी। तो आपको आईब्राउज को डिफाइन करना बहुत एक ज़रूरी स्टेप है गाइस। तो आप अगर इस तरीके से आईब्राउज को डिफाइन करते हो तो आपका जो आईब्राउज है वो बहुत ज़्यादा शार्प, नीट एंड क्लीन दिखती है। तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो चाहे वो पार्टी मेकअप हो, तो इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से मैं एक ब्रश की हेल्प से पहले थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ आईब्राउज के कॉर्नर पे, और उसके बाद में यहाँ पे और उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है सब कुछ। उसके बाद में अपने आईलिड को सेट करने के लिए लैक्मे का ये वाली कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, और एक ब्रश के हेल्प से इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो, तो जरूर से आप अपने आईलिड को अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर ले, तो इससे आपको ब्लेंडिंग में आसानी होती है। तो उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला हैटेड विथ लव आई शेडो पैलेट में से ये वाली जो बॉबी पिंक शेड है उसको मैंने एज माई ट्रांजिशन शेड में अप्लाई करूँगी। तो इस तरीके से मैं क्रीज लाइन पे थोड़ा सा लेके इस तरीके से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक पर्पल कलर को लिया है, एंड पर्पल शेड को मैं आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे प्लेस करके मैं सर्कुलर मोशन पे धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी इनर कॉर्नर तक। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर लिया, उसके बाद एक फ्लैपी स्मॉल ब्रश की हेल्प से इस तरीके से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एंड सो उसके बाद मैं अगेन ये वाली जो पर्पल शेड है उसको थोड़ा सा प्लेस किया, उसके बाद सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेम कंसीलर के हेल्प से कट क्रीज ड्रा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हाफ कट क्रीज ड्रा करूँगी। आपको पहले एप्लीकेटर से थोड़ा सा वो लीड पर अप्लाई करना है, उसके बाद आप ब्रश के हेल्प से धीरे धीरे करके आपको हाफ कट क्रीज ड्रा कर लेना है। तो क्रीज लाइंस से लेकर लीड तक आपको आना है, और इस तरीके से मैंने आराम से आपको अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक रॉयल ब्लू शेड लेकर इस तरीके से प्लेस करूँगी। और ये वाली शेड मेरा हैटेड विथ लव आई शेडो पैलेट में नहीं था, तो मैं दूसरा पैलेट में से ये वाली शेड लिया है। आप कोई भी पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जब तक मुझे अपना मनचाहा कलर नहीं मिल जाता है तब तक मैं इसे प्लेस करूँगी, और एक
डार्क ब्लू कलर मुझे चाहिए, तो जब तक ये डार्क नहीं हो जाता तब तक मैंने प्लेस किया इस तरीके से। एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर क्या किया, ये एक ब्लू शिमली शेड को थोड़ा सा मैंने प्लेस किया है। उसके बाद ये वाली सेम थोड़ा सा पिंक कलर को लेके मिडिल पे, दोनों कलर के मिडिल पे इस तरीके से मैंने अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और उसके बाद भी आउटर कॉर्नर पे और थोड़ा सा पर्पल कलर को लेके इस तरीके से प्लेस करूँगी। तो दैट्स इट। और ये था हमारा सिंपल सा आई मेकअप, बहुत ही इजी वीजी सा आई मेकअप है बट बहुत ज़्यादा एलिगेंट है गाइस, आप देख सकते हो। सो ब्राइडल मेकअप है, थोड़ा सा डार्क तो बनता है। सो दोनों आई मेकअप मैंने अच्छे से कर लिया है, अब देख सकते हो। और नेक्स्ट हमारी बारी आती है लाइनर की, तो यहाँ पे मैं लैक्मे कंस्ट्रा लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करें। ये बहुत एक पुराना सा लाइनर है गाइस बट बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ड्रामाटिक लाइनर क्रिएट करूँगी। तो ये ब्राइडल मेकअप है तो लाइनर थोड़ा सा डार्क होगा, तो इस तरीके से मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने बेस रेडी कर रही हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर, नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर, और उसके बाद मैं सेम स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ थोड़ा सा, एंड थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना है। उसके बाद मैं ये वाली कॉम्पैक्ट पाउडर को थोड़ा सा क्रश करके इस तरीके से डाला है, और उसके बाद में फिट मी का फाउंडेशन यहाँ पे लिया है। जी हाँ गाइस, फिट मी का फाउंडेशन मैं इसके अंदर एक से दो ड्रॉप में दूंगी। एंड ये वाली ब्लू हेवन का लूज पाउडर लिया है थोड़ा सा, और ये वाली, और यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का सीरम लिया है दो बूंद। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ही आप सीरम यूज़ करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से अच्छे से आपको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, एंड सब कुछ मिक्स होने के बाद आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बेस आप अगर अप्लाई करोगे तो बिल्कुल भी, ये वाटर प्रूफ है एंड लिप प्रूफ मैंने आप लोगों को दिया है, ये वाटर प्रूफ है, प्लस ये कितना ज़्यादा हाई कवरेज दे रहा है आप देख सकते हो। और ये जो मैंने बेस रेडी किया है फेयर स्किन टोन के लिए है। सो मैंने इस तरीके से डॉट डॉट करके पूरे फेस पर पहले अप्लाई कर लिया, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आपको अगर यहाँ पे प्रोडक्ट समझ में मुश्किल हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दे दूंगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैं सेम कंसीलर को थोड़ा सा अंडर आई पे एंड फोरहेड पे और जॉ लाइन पे मैंने अप्लाई किया है थोड़ा सा हाईलाइटेड इफेक्ट देने के लिए, और अच्छे से ही ब्लेंड कर लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हो। और गाइस ये मेरा पहला सेल्फ ब्राइडल मेकअप लुक है, तो आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट करके कैसा हुआ है। एंड आपको अगर कुछ भी कमी लगे तो बेझिझक आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। उसके बाद में यहाँ पे मार्च का ये वाली कंटूर स्टिक से अपने कंटूरिंग कर रही हूँ, तो इसका शेड इज 3। तो पहले मैं इसको हॉल्स ऑफ द चीक, थोड़ा सा फॉरहेड पे, जॉ लाइन पे एंड नोज पे मैंने अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी। एंड जो हॉल्स ऑफ द चीक का जो कॉन्टोरिंग है उसको आपको अपर डायरेक्शन में इस तरीके से ब्लेंड करना है, जॉ लाइन का आपको लोअर डायरेक्शन में ब्लेंड करना है, एंड फॉरहेड का आपको हेयर डायरेक्शन में ब्लेंड कर लेना है। तो अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से। सो यहाँ पे नोज का जो कंटूरिंग है वो मैंने फिंगर के हेल्प से ब्लेंड किया है, एंड इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा मैंने गोल्डन शिमरी शेड को थोड़ा सा प्लेस किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे काजल अप्लाई कर रही हूँ, और ये है फेसेस कनाडा का काजल, काफ़ी अच्छी हैं और अफोर्डेबल प्राइस में हैं, आप ट्राई कर सकते हो। और अच्छे से मैं काजल को अप्लाई कर लूँगी, और थोड़ा सा थिकली मैं अप्लाई करूँगी। एंड अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्मॉल ब्रश ले लूँगी फ्लैट, और उसके हेल्प से मैं थोड़ा सा इसे स्मच कर दूँगी। इससे क्या होता है ना, आपका जो काजल है वो बहुत ही मतलब अच्छी वाली लुक देती है, तो आप इस स्टेप को कर सकते हो। तो दोनों आइस पे मैंने इस तरीके से सेम प्रोसेस करूँगी, तो आप देख सकते हो। तो साथ ही साथ में पर्पल कलर को भी मैंने इसके साथ ही स्मच किया था। तो और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये वाली मार्च का स्केच पेन लाइनर से या इनर कॉर्नर को थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी इस तरीके से, दोनों आइस का इनर कॉर्नर मैं इस तरह सेम तरीके से कर लूँगी। सो दैट्स इट।
और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लूज पाउडर को थोड़ा सा अंडर आई पे एंड जॉ लाइन पे मैं अप्लाई किया है एंड थोड़ी देर रख के उसको डस्ट आउट कर देंगे। और हाँ गाइस, जो भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई कर रही हूँ ना, सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स एंड लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो या यहाँ पे मैंने एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से जो एक्स्ट्रा पाउडर था सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हो डस्ट आउट कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, और ये है मेबेलिन का हाई फॉर कर्ल मस्कारा। तो मैंने मस्कारा का 2 से 3 कोट अप्लाई करूँगी बहुत अच्छे से, अपर लैशेस पे एंड लोअर लैशेस पे, दोनों आईज पे मैंने सेम तरीके से मस्कारा अप्लाई कर लिया है। सो नेक्स्ट हमारी बारी आती है ब्लशर की, तो यहाँ पे मैं मिस रोज का ये वाली ब्लशर पैलेट ले रही हूँ और इन द शेड 02, और इसमें से जो ये वाली पिच काइंड ऑफ शेड है इसको लेके इस तरीके से मैं एज ए ब्लशर अप्लाई करूँगी। और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है, दोनों चीक पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ब्लश को, आप देख सकते हो। तो दैट्स इट, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर से सारा कुछ अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे हाइलाइटर के लिए ये वाली मार्च का हाइलाइटर ले रही हूँ इन द शेड 03, एंड इसमें से ये वाली शैम्पियन शेड को लेकर मैंने एज से हाइलाइटर अप्लाई किया है ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज एंड हाइस्ट पॉइंट ऑफ द चीक। ऑल्सो मैं क्यूटी बोज चिन एरियाज़ पे एंड फॉरहेड पे भी अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ पे हमारा हाइलाइटेड एरिया है वहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है, एंड स्मॉल ब्रश की हेल्प से ब्राउ वन पे भी हाइलाइटर को अप्लाई किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्स के लिप लाइनर से पहले लिप लाइंस ड्रा कर लूँगी, और ये एक पर्पल शेड है, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लशेस की ये वाला पर्पल कलर को अप्लाई किया है एज माई लिप कलर। सो बहुत अच्छे से मैं लिप कलर को अप्लाई कर लूँगी, एंड लुक को मैंने कंप्लीट किया इस तरीके का गोल्डन ज्वेलर के साथ, और दैट इज़ माय फाइनल लुक गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आज का लुक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये लुक थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ऐसा ही खूबसूरत खूबसूरत मेकअप लुक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून गाइस, लॉट्स ऑफ लव।